चलो लेट्स स्टार्ट। ओके नाउ ये देखो ये सेट है, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, जो जो पहला वाला ब्रैकेट है ये जो है द सेट ए इक्वल्स, कॉर्नर में आ जाओ। हाँ द सेट ए इक्वल्स, ये कर्ली ब्रेसेस जो है इसको हम कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये वाला जो लाइन है दैट इज व्हाट, सच दैट एक्स, ये वाला जो साइन है स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू एन व्हिच इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10, ठीक है। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्दर पार्ट। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब यहां पर ये जो सेट है इसको आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आप समझ लो मुझे ये वाला सेट जो है लिस्टिंग मेथड में लिखना है, कौन सा, सेकेंड वाला, ठीक है। हाँ तो इस सेट को मैं क्या लिखूंगा, आई कैन से योर सेट ए इक्वल्स, ओके सेट ए इक्वल्स, आप नाम कोई भी दे सकते हो, ए बी सी डी वगैरह। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या लिखना है, सारे एलिमेंट्स आपको एक एक बार लिखना है, बस ये ध्यान रहे कि हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, ठीक है। एम लिखा है क्या हमने, नहीं लिखा है, अच्छा अच्छा एम हो चुका है ना, ओके ओके ए भी हो चुका है, तो अभी आपका एन आएगा एंड देन टी आ जाएगा एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट पूछा है आपको, तो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से लेटर आते हैं, तो जब भी आप सेट लिखते हो तब आपका कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द लेटर शुड बी रिपीटेड। तो यहां पर देखो एम आपका दो बार है, तो यू कैन नॉट राइट इट टू टाइम्स, यू हैव टू राइट इट ओनली वंस, गॉट इट। क्या हुआ, हाँ ए भी आपका दो बार आया है लेकिन एक ही बार लिखना है, समझा, इज दिस क्लियर, ओके। ये आपका सेकेंड वाला हो गया। नाउ थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। यू कैन राइट योर सेट एज योर सेट बी इक्वल्स, यू कैन टेक, आप सेट में कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, इसके अंदर प्रॉपर लिस्टिंग करना है। चलो बताओ श्लोक बताओ क्या क्या सेंस हमने पकड़ा था, हाँ वॉट आर द सेंस, नोज एंड आइस, स्किन, ईयर एंड टंग, ई, हाँ हाँ ईयर करेक्ट, एक मिनट एक मिनट, ईयर टंग, गॉट इट, हाँ दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स हो गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। चलो लिखा आप लोगों ने, इवन आई विल राइट, तो आपका जो नंबर्स आएगा वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड देन क्लोज्ड, ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ लिखो। चलो ये भी हो गया, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, क्या क्या है हमारे कॉन्टिनेंट, एशिया है, स्पेलिंग देख लो तुम लोगों का, एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद और कौन सा है कॉन्टिनेंट, नॉर्थ यूरोप, यूरोप देन अफ्रीका देन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ठीक है। चलो नाउ राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द रूल मेथड। अभी ऊपर वाला क्या था, ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको नहीं है, आपको सेट बिल्डर मेथड है एंड रोस्टर मेथड है, राइट ये जो लिखा है डिस्क्रिप्शन है ना, उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। अब सेम सेट को आपको किस में लिखना है, रूल मेथड में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, दिस आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, आप इसको अभी सेट में लिखना है, अभी इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म है लिखने के लिए आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, मैं एक फॉर्म लिखता हूं, एक फॉर्म होगा इसका ये, द सेट ए इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स
belongs to, x belongs to what? Or you can say x is equals to n square, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 10, and then close. मैंने बोल दिया ना n belongs to natural number. Natural number कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है. और मैंने बोल दिया कि n is less than or equal to 10. तो क्या हो गया? तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ गए. और n square करना है ना x का वैल्यू. तो 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9 and so on. Right? ये method हुआ. इसका और एक भी method लिखा जा सकता है. दूसरा method बताता हूँ. और क्या लिख सकते हैं? द सेट ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 100 and 101. ऐसे भी लिख सकते हैं. नहीं ना, लेस देन है ना बेटा, 101 से छोटा है ना. X is less than 101. समझ में आ रहा है? देखो यहां पर x is a perfect square number and x lies between 0 to 101. समझा? अब ये वाला जो set builder वाला जो form है ना, इसमें आपका perfect एक ही answer है, ऐसे नहीं है. Other one ये भी सही है, ये भी सही है. इसका और एक भी तरीका हो सकता है. यहां पर मैंने अगर 110 लिखा होता तो भी चलता. Because 110 से नीचे वाला perfect square number कौन सा है? 101 ही है, 100 ही है. क्योंकि उसका अगला number कौन सा है? 121 है ना, 11 का square. तो यहाँ पर मैंने 120 लिखा तो भी चलेगा. तो भी आपके list में तो यही आएंगे ना. समझ में आ रहा है? Can you write for the next one? Again you have to write what? इसका आपको set builder form लिखना है. कैसे लिखोगे? B equals such that x is a first 8 multiples of 6. Can you write this in the set builder form? इसके लिए नहीं, letters के लिए नहीं. अब क्या लिखोगे? C set C is equals to the set of all x such that x is a letter of the word smile. और ये सारे letter जो है capital में लिखो. ठीक है? अब ये smile के जगह पे miles भी लिख सकते हैं. ठीक है? M-I-L-E-S, miles होता है ना, वो भी लिख सकते हैं. तो जब भी आपका set builder form है, there is nothing like only one answer is correct, the other answer could also be correct. Next, आप लिखो अभी for the fourth one. X is a day of the day. अब day of the week में सारे अलग अलग वीक आप एक 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 करके सारे वीक लिख दो. ठीक है? ओके, डन. लिखो फॉर द नेक्स्ट वन. यू हैव टू राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म. लिखो. ओके, तो एक्स क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड 8, या फिर सेम चीज आप सेम जो है ऐसे ही इसको अगर मैंने ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. यहां पर 8 के जगह पर ईट लिखो तो भी चलेगा. ठीक है? बोथ आर फाइन. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट. अब टाइप्स ऑफ सेट देखो, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में ही है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ सेट. ठीक है? अलग अलग टाइप ऑफ सेट्स है. व्हाट दे आर? सिंगलीटॉन सेट,
एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब पहला है सिंगलीटॉन सेट। व्हाट इज सिंगलीटॉन सेट? सिंगलीटॉन सेट हम उस सेट को बोलेंगे जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ओके, इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट देन इट इज अ सिंगलीटॉन सेट। उसके बाद है आपका एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट हम किसको बोलेंगे? जिस सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे है खुला ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद भी हो गया। गेटिंग इट? ऐसे ये ब्रैकेट खुला, अंदर कुछ लिखा ही नहीं और ब्रैकेट बंद भी कर दिया, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ओके, उसके बाद एम्प्टी सेट को दूसरा नाम है नल सेट। उसके बाद है फाइनाइट सेट। नाउ व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट मतलब अगर मैं पूछूं द नंबर ऑफ डेज, लाइक एक्स इज अ लाइक डेज ऑफ अ वीक इज अ फाइनाइट सेट, बिकॉज मंडे वेनेसडे वगैरह जो भी है आपका, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे जितने भी डेज है डिफाइंड है, टोटल 7 डेज है, बराबर। अगर मैं पूछूं मंथ ऑफ द ईयर, ये भी डिफाइंड है और लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, 12 से ज़्यादा है ही नहीं, राइट। लेकिन मैं आपको पूछूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? जैसे कि अगर मैंने नेचुरल नंबर अगर मुझे सेट में लिखना है, मैं कितना भी लिखूं तो खत्म कहाँ होगा? ये नंबर्स तो खत्म नहीं होंगे ना, 100 हो गया, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ लिखूंगा तो भी खत्म थोड़ी होगा, बुक खत्म हो जाएगा लेकिन नंबर्स खत्म नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, विच सेट? दैट्स एन इनफिनाइट सेट। समझ में आया? जब भी आपके जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है कितना है सब लिस्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? इनफिनाइट सेट।